बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरा नाम हमज़ा लियाकत है और मैं आपको वेलकम करता हूँ इस ट्रेनिंग सेशन में। अच्छा, इस ट्रेनिंग सेशन में जो हमने स्टार्ट किया एक नया, उसके अंदर हम पढ़ रहे होंगे VCP DCV 6.0, और उसके अंदर हम कवर करेंगे इंस्टॉलिंग कॉन्फ़िगरिंग एंड मोनिटरिंग ऑफ वीस्पेयर 6.0, कि आप जो वीस्पेयर एक है, एक पैकेज है VMware की तरफ से, आप उसको इंस्टॉल किस तरह कर सकते हैं, उसको यूज़ किस तरह करेंगे, और उसकी मोनिटरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप किस तरह देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ओवरव्यू दूंगा वर्चुअलाइजेशन का, वीएमवेयर का, वर्चुअलाइजेशन का, डिफरेंट टाइप ऑफ वर्चुअल जो कंपनीज वर्चुअलाइज करती हैं, और वीएमवेयर इसमें क्या ऑफर करता है, हमें उसको कवर करेंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं, हम सबसे पहले वर्चुअलाइजेशन का ओवरव्यू करेंगे, इसके अंदर फिर हम इंस्टॉलेशन करेंगे EXI की, जो हमारा एक वीएमवेयर का ऑफिशियल सर्वर है फॉर वर्चुअलाइजेशन। फिर हम इसका जो कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इसकी इंटरफेस की, कैसे इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन करनी है, फिर हम कुछ कमांड्स के ज़रिए भी इस पे काम करेंगे, देखेंगे कि अगर आपको फ्यूचर में इसमें कमांड्स से काम करना है तो आप वो कैसे करेंगे। अच्छा, व्हाट इज़ वर्चुअलाइजेशन? सबसे पहले ये क्वेश्चन माइंड में आता है, अच्छा वर्चुअलाइजेशन, व्हाट इज़ वर्चुअलाइजेशन? सो एक्चुअली इन कंप्यूटिंग वर्चुअलाइजेशन मीन क्रिएटिंग अ वर्चुअल वर्जन ऑफ अ डिवाइस। वर्चुअल वर्जन से मुराद क्या है? आप कोई भी आपके पास डिवाइस है या कोई भी आपके पास रिसोर्स है, आप चाहते हैं कि उसको वर्चुअलाइज कर दें, ऐसा एक हिस्सा बना दें उसका। मतलब फॉर एग्जांपल, ये सर्वर है तो मैं इसका इतना हिस्सा डिवाइड कर दूं और मैं जो इस पे काम करूं वो कभी भी मेरी फिजिकल मशीन पे ना आए, और मैं इसके ऊपर दो या तीन इंस्टेंस, डिफरेंट इंस्टेंस बना के डिफरेंट OS रन कर लूं, डिफरेंट एप्लीकेशन को मैं इसके ऊपर रन कर लूं, डिफरेंट चीज़ों को रन कर लूं। जैसा कि इसमें दिखाया, सच है किसी भी सर्वर का कर सकते हैं, अगर आपके पास स्टोरेज है स्टोरेज का वर्चुअल कर सकते हैं, डिवाइस को अपने पूरे नेटवर्क को वर्चुअलाइज कर सकते हैं, इवन के स्विचेस बना सकते हैं, राउटर्स बना सकते हैं, और एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद आपका OS होता है, कि आप एक वर्चुअल सॉफ्टवेयर लें, वर्चुअल मेन सर्वर लें, उसके ऊपर आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करें। अगर आपके पास फिजिकल सर्वर पे, मतलब ये मेरा अगर मेन सर्वर है, इसके ऊपर विंडोज 7 है, तो मैं अगर इसके ऊपर कोई वर्चुअलाइजेशन का सॉफ्टवेयर डाल लूँ तो मैं अंदर विंडो 10 भी चला सकता हूँ, XP भी चला सकता हूँ, और एट अ टाइम में बस विंडो 10 भी चल सकती है, XP और विंडो 7 भी उसी के अंदर रन कर सकती है, और आपस में इनकी कोई डिपेंडेंसी नहीं होती, ठीक है। और क्या होती है वर्चुअलाइजेशन? IT ऑर्गेनाइजेशन आर चैलेंज बाय लिमिटेशन ऑफ टूडे x86 सर्वर्स। मतलब हमारे पास बहुत से x86 सर्वर हैं, वे आर डिजाइन टू रन जस्ट वन ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें हम सिंपल एक ही, मतलब मेरे पास एक सर्वर और मैं इसमें सिर्फ एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकता हूँ, आया कि वो सर्वर 2012 हो, 2008 हो, मेरे पास 2003 हो, विंडो 7 हो, विंडो 10 हो, कोई भी मेरे पास क्लाइंट हो, तो मैं उसके ऊपर सिंपल एक ही अपना जो OS है उसको रन कर सकता हूँ, और कोई भी एप्लीकेशन है, लाइक मेरे पास एक्सचेंज चल रहा है, शेयर पॉइंट है, ठीक है, कोई भी है, तो वो एट अ टाइम एक चल सकता है इसके ऊपर, DC है तो एक ही DC बनेगा। एज रिजल्ट इवन स्मॉल डाटा सेंटर्स हैव डिप्लॉय मैनी सर्वर। तो सारी बात, अगर आपको एक पूरा सेटअप बनाना है, कंप्लीट डाटा सेंटर बनाना है, तो आपको इसी तरह की फिजिकल मशीनें 8-10 लेनी पड़ेंगी, डिफरेंट रिसोर्स, जिसके आप एक के ऊपर DC बनाएंगे, एक के ऊपर DHCP इंस्टॉल करेंगे, एक के ऊपर शेयर पॉइंट करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, या आप दूसरी तरफ जाके SQL कर रहे होंगे एक के ऊपर, फिर आप अपनी फायरवॉल बना रहे होंगे। तो अगर छोटा सा भी सेटअप देखा जाए, जो 8 से 10 मशीनें आपकी फिजिकल बन जाती हैं, और इनको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। एंड फिर हम अगर बात करते हैं जस्ट वन फिर हम अगर बात करते हैं विजुअलाइजेशन, अच्छा फिर हम नेक्स्ट स्लाइड में जब बात करेंगे वो ये है। अच्छा, वर्चुअलाइजेशन यूज सॉफ्टवेयर, मतलब वर्चुअलाइजेशन क्या करती है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर यूज करती है जो आपके एग्जिस्टिंग हार्डवेयर को, जो आपका एग्जिस्टिंग हार्डवेयर है, फॉर एग्जांपल ये मेरा एक सर्वर है, एग्जिस्टिंग हार्डवेयर है ना, एग्जिस्टिंग हार्डवेयर के ऊपर एक वर्चुअल सॉफ्टवेयर रन करते हैं, और उसके अंदर हम ये सारे अपने जो, जैसे मैंने पहले बताया, DHCP, DNS, एक्सचेंज सर्वर, डिफरेंट चीज़ें हम इस वर्चुअल के ऊपर रन कर सकते हैं, डूइंग अलाउ बिजनेस टू रन मोर देन वन वर्चुअल सिस्टम एंड मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन ऑन अ सिंगल सर्वर। एक ही सर्वर है, ठीक है, इसी के ऊपर मैं ये 16 GB अपनी रैम ले लेता हूँ, और मैं कहता हूँ बजाय इसके कि मैं 4 4 के 4 मॉड्यूल लूँ या 5 मॉड्यूल लूँ और पांचों को अलग अलग पावर दूँ, नेटवर्क इनका मैनेज करूँ, इसके ऊपर कुछ इंस्टॉल, तो मैं एक ही सर्वर लेता हूँ, इसके ऊपर एक कोई सॉफ्टवेयर कर लेता हूँ वर्चुअलाइजेशन का, और मैं एक के ऊपर अपनी विंडो 7 ले जाता हूँ, एक के ऊपर अपना SQL सर्वर ले जाता हूँ, DHCP ले जाता हूँ, डोमेन कंट्रोलर ले जाता हूँ, डिफरेंट सर्वर्स को मैं यहाँ ले जाके अपना इसके ऊपर मैं अपना काम कर सकता हूँ। अच्छा, फिर इसके बाद जब हम
नेक्स्ट लाइन में बढ़ते हैं। तो विर्चुअलाइजेशन की टाइप कितनी होती हैं, किस किस्म की, कितने किस्म की विर्चुअलाइजेशन हम कर सकते हैं। सबसे पहले ओएस विर्चुअलाइजेशन हम कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि ये मेरा विंडो 7 का सिस्टम है, मैं एक विंडो 10 इंस्टॉल कर दूँ तो ये मेरी ओएस लेवल की विर्चुअलाइजेशन हो जाएगी। फिर नेटवर्क विर्चुअलाइजेशन है, नेटवर्क विर्चुअलाइजेशन में कि एक मेरा फिजिकल स्विच है, कुछ मैंने मशीनें यहाँ मैनेज की हुई हैं और कुछ मशीनों को मैंने वर्चुअलाइजेशन के अंदर ही एक स्विच बनाया हुआ है और कुछ मशीनों को मैंने यहाँ मैनेज किया हुआ है कि ये किससे बात करेगी, ये यहाँ जाके किस फिजिकल से कनेक्ट होगी, ये मशीन कहाँ निकल सकती है। तो इस तरह मैं अपना नेटवर्क भी वर्चुअलाइजेशन कर सकता हूँ, नेटवर्क को भी वर्चुअलाइज कर सकता हूँ, हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन कर सकता हूँ डिफरेंट लेवल की, कि मैं हार्डवेयर को डिवाइड कर दूँ कि 4 GB रैम इसके लिए डेडिकेटेड है या 2 GB रैम इसके लिए डेडिकेटेड है, तो वो मेरा हार्डवेयर लेवल की वर्चुअलाइजेशन हो जाएगी। स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन कर सकता हूँ मैं, एक ही मेरे पास 1 TB की ड्राइव है, ठीक है, मैं इसके अंदर से 500-500 के दो मॉड्यूल बना लेता हूँ और 500 GB एक मशीन को दे देता हूँ, 500 GB एक मशीन को दे देता हूँ, तो ये मेरी स्टोरेज लेवल की विजुअलाइजेशन हो जाएगी कि मैंने 1 TB की ड्राइव को 2-3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जो कि अब मेरी मशीन यूज़ कर सकती हैं। अच्छा, वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर हैं, टेक्नोलॉजीज कंपनीज, कौन कौन सी कंपनीज हैं जो वर्चुअलाइजेशन है के जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनको प्रोवाइड करती हैं और वो मार्केट में यूज़ होते हैं। अच्छा, सबसे पहले VMware है, VMware है जो एक इस वक्त वर्चुअलाइजेशन में सबसे ज़्यादा नाम कमा चुका है और सबसे ज़्यादा मार्केट में डाटा सेंटर्स में वर्चुअलाइजेशन में VMware यूज़ हो रहा है, ठीक है। और VMware डिफरेंट तरह की वर्चुअलाइजेशन कर रहा है, ये OS लेवल की भी करता है जिसके अंदर आपके पास VMware वर्कस्टेशन आ जाता है, ठीक है, सर्वर लेवल ही करता है जिसके अंदर आपके पास EXI आ जाता है, ठीक है, क्लाउड को भी मैनेज करता है VMware। अच्छा, फिर आपको पता माइक्रोसॉफ्ट आ जाता है, माइक्रोसॉफ्ट हाइपर वी में मैनेज करता है अपने आप को, आप हाइपर वी इसका रोल इंस्टॉल कर लें, आप वर्चुअलाइजेशन इसकी कर सकते हैं। लिनक्स में वर्चुअलाइजेशन KVM में आ जाती है, KVM बेस्ड मशीनें आप लिनक्स में बना सकते हैं। सिट्रिक्स है, सिट्रिक्स का अपना सॉफ्टवेयर है जो आपको वर्चुअलाइजेशन करने की वर्चुअलाइजेशन करने का वो प्रोवाइड करता है मेथड, ठीक है। अच्छा, ओरेकल है, ओरेकल भी आपको वर्चुअलाइजेशन का सॉफ्टवेयर देता है जो डिफरेंट लोग यूज़ करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मार्केट में यूज़ हो रहा है वो वर्चुअलाइजेशन में VMware यूज़ हो रहा है। सो इस कोर्स में भी हम VMware को फोकस करेंगे और VMware पर ही हम अपना जो जो ग्रिप उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे ताकि एटलीस्ट हम मार्केट में अगर बैठे हैं कोई लोग, कोई मेरे दोस्त अहबाब जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि वो अपने एग्जिस्टिंग डाटा सेंटर में इसको डिप्लॉय कर सकते हैं और अगर डिप्लॉय है तो उसको मैनेज कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन उसकी देख सकते हैं, जो उनको उनकी जॉब में फ्यूचर में हेल्प करेगा। और वो लोग जिन्होंने आज तक अभी जॉब करनी है तो VMware एक बेसिक रिक्वायरमेंट बन चुकी है, वर्चुअलाइजेशन VMware हो चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो चाहे लिनक्स की वर्चुअलाइजेशन हो, तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट बन चुकी है मार्केट में कि आपको वर्चुअलाइजेशन के बारे में हाउ नाउ होनी चाहिए कि वो किस तरह और कैसे यूज़ करते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो VMware हमें वर्चुअलाइजेशन देता है उसके अंदर VMware वर्कस्टेशन हमें प्रोवाइड करता है, एक सॉफ्टवेयर जो आप अक्सर लोग इसको यूज़ भी कर रहे होंगे, जो लोग MCITP भी करते हैं उनके लिए वो भी VMware वर्कस्टेशन के ऊपर काम करते हैं अपनी डिफरेंट लैब्स वगैरह डिफरेंट चीज़ें वगैरह बनाने के लिए। अच्छा, ये VM है क्या, ये VMware वर्कस्टेशन इज़ अ होस्टेड हाइपरवाइजर दैट रन 64-bit भी रन करता है ये और 32-bit वर्जन भी रन करता है, लिनक्स का हो चाहे वो आपका विंडोज़ बेस्ड हो उस ऑपरेटिंग सिस्टम को ये रन करता है, ठीक है। और ये यूज़र को इनेबल करता है कि वो अपनी वर्चुअल मशीन्स बना सके ऑन अ फिजिकल मशीन, ऑन अ सिंगल फिजिकल मशीन एंड यूज देन साइमल्टेनियसली अलॉन्ग विद एक्चुअल मशीन, एक्चुअल मशीन भी आपकी रन करेगी और हर मशीन का एक अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होगा जो उस पर रन करेगा। मतलब ये मेरे विंडो 10 है और मैंने इसके ऊपर VMware वर्कस्टेशन का इंस्टॉल कर लिया, अब इसके ऊपर चाहे मैं जितनी मर्जी विंडोज़ बना लूँ डिपेंड ऑन माय रिसोर्स, मेरे पास रैम कितनी है और मेरे पास प्रोसेसर कितना है, अगर वो मेरे पास इनफ है तो मैं 2-3-4-5 मशीनें बना के साइमल्टेनियसली उन पर काम कर सकता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है VMware, ये तो बात कर ली उसने छोटे टेस्ट इन्वायरमेंट में, आप कह लें कि जो लोग लैब्स करते हैं उनके लिए वर्क स्टेशन है, ठीक है, काम करते हैं। अब वो लोग जो डाटा सेंटर में यूज़ करते हैं वो है VMware EXI सर्वर, ये VMware का वर्चुअलाइजेशन का मेन सर्वर है जो वर्चुअलाइजेशन के लिए यूज़ होता है क्या ये VMware EXI जो फॉर्मली पहले EXI होता था, अब इसका नाम EXI हो चुका है, इंटरप्राइज क्लार्क Type 1 हाइपरवाइजर है और ये VMware ने इसको बनाया है जो सर्विंग वर्चुअल कंप्यूटर्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अच्छा, एज अ टाइप EXI इज़ नॉट अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन नहीं है,
कंफ्यूज ना होइएगा कि जैसे वीएमवेयर वर्क स्टेशन है उसी तरह आप इसको ओएस पे इंस्टॉल करते, नहीं बिल्कुल हरगिज नहीं, ये बिल्कुल उससे अलग है। ये खुद एक ओएस है, ठीक है, जो लिनक्स बेस्ड है, इस पे डेवलप हुआ है। ये लिनक्स बेस्ड मतलब इसकी टाइप ये है, ये इस बेस्ड का सॉफ्टवेयर है, इस बेस्ड का सॉरी सॉफ्टवेयर कह दिया मैंने, इस बेस्ड का अपना ओएस है जो इंस्टॉल होता है डायरेक्टली ऑन योर हार्डवेयर। मतलब ये आपके पास हार्डवेयर है, इसके ऊपर डायरेक्टली इंस्टॉल होगा। ये नहीं कि पहले आप विंडोज 7 या 8 कर रहे होंगे या कोई ओएस कर रहे होंगे उसके बाद अपना जो EXI वो डिप्लॉय करेंगे, नहीं। आपको एक हार्डवेयर चाहिए, ठीक है, उसकी रैम प्रोसेसर वो आप डिसाइड करेंगे और उसके ऊपर आप अपना VMware EXI डायरेक्टली इंस्टॉल करेंगे और फिर इसको मैनेज करेंगे हम इसके जो जो क्लाइंट है उसके ज़रिए, और फिर हम इसको इसकी डिफरेंट तरह की मॉनिटरिंग ये वो जो आगे जाके हम पढ़ेंगे वो कर सकते हैं इसके अंदर। अच्छा, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट क्या है EXI के लिए? अगर EXI आप इंस्टॉल करने जा रहे हैं, अभी आपको जो लैब दिखाई जाएगी, तो उसके लिए आपके हार्डवेयर रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए? या आप अगर डाटा सेंटर में डिप्लॉय करते हैं तो कम से कम आपके हार्डवेयर रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए? ठीक है, ये डिफरेंट x64 मल्टी कोर प्रोसेसर होना चाहिए आपके पास, ठीक है। मतलब अगर आपके पास 86 का प्रोसेसर है तो आप इसके ऊपर कभी भी 64 बिट की VM नहीं चला सकेंगे। तो इसके लिए ये कंपलसरी है कि आप 64 बेस्ड का प्रोसेसर आपका होना चाहिए जिसके अंदर मल्टी कोर्स हो, 2 कोर्स हो जाएं, 4 हो जाएं, 6 हो जाएं, ये कोई इशू नहीं, जितना ज़्यादा हो जाए उतना अच्छा है, लेकिन कम से कम है वो आपके पास 4 या 6 कोर होने चाहिए। अच्छा, जब हम बात करते हैं रैम की, क्योंकि जब मैं इसको इंस्टॉल करूंगा, मैं वीएम बनाऊंगा तो मुझे वीएम्स पे अपनी डिफरेंट रैम्स असाइन करनी पड़ेगी, तो मिनिमम 2 GB आपकी फिजिकल रैम तो होनी ही चाहिए, लेकिन वीएमवेयर कहता है कि आपकी 8 GB रिकमेंडेड है। लेकिन अगर आप अपनी टेस्टिंग के लिए काम कर रहे हैं तो 2 GB या 4 GB इज इनफ, ठीक है, ताकि आप अपनी बेसिक मशीन्स का बेसिक कॉन्फिग्रेशन और बेसिक चीज़ों को देख सकें। अच्छा, टू सपोर्ट 64 बिट वर्चुअल मशीन, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपके EXI के ऊपर 64 बिट वर्चुअलाइजेशन, 64 बिट VMs भी चलें, तो आपको अपने प्रोसेसर की बायोस में से जाकर, अक्सर बायोस में भी ऑप्शन होता है इंटेल VT और AMD RVI का ऑप्शन, ठीक है, ये आपको इनेबल करना पड़ता है। अगर आप ये इनेबल कर देंगे तो अब आपका जो प्रोसेसर है वो x64 बिट की मशीनों को भी होस्ट करने की कैपेसिटी रखता है। अच्छा, नेटवर्क कार्ड आपके पास एक तो लाजमी होना चाहिए, और अगर एक से ज़्यादा है तो वेल एंड गुड, और अगर 10G का है तो वो भी अच्छा है, अगर 1G का है तो वो भी बेहतरीन है। ये तो आपकी डिपेंड करेगा ट्रैफिक पे कि आपकी ट्रैफिक किस तरह आउट होगी, किस तरह इन होगी, तो ये आपको अपने ट्रैफिक, अपने डाटा सेंटर और अपनी रिक्वायरमेंट के लिहाज से आपको मैनेज करना है। अगर आपके पास SQL सर्वर है तो 1 GB इज़ मस्ट और 10 GB इज़ गुड फॉर SQL सर्वर, ठीक है, और अगर पास नॉर्मल DC है तो 1 GB इज इनफ फॉर DC, और अगर 2 या 2 से ज़्यादा है तो आप डिफरेंट तरीक़ों से उसको मैनेज कर सकते हैं, जो हम आगे जाके देखेंगे कि इनको मैनेज भी किस तरह किया जा सकता है। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने लैब की तरफ और लैब पे देखते हैं कि आज हम इसकी इंस्टॉलेशन करेंगे EXI की, कि EXI की इंस्टॉलेशन कैसे करनी है और कैसे इसको हमने यूज़ करना है। बढ़ते हैं अपनी लैब की तरफ। अच्छा, तो ये मेरी एक विंडोज 7 का सिस्टम है जिसके ऊपर, क्योंकि मैं फिजिकली अगर मैं इसके ऊपर इंस्टॉलेशन पे जाऊँ तो आपको ये स्क्रीन नहीं दिखा सकूँगा, तो मैंने क्या किया हुआ है, मैंने पास एक फिजिकल मशीन है जिसकी रैम इनफ है और इसके ऊपर मैंने VMware वर्क स्टेशन इंस्टॉल किया हुआ है, और इस VMware वर्क स्टेशन के अंदर मैंने एक सिंपल एक VM बनाई है EXI के नाम से, और अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं किया, सिंपल मैंने सेटिंग्स में जस्ट जाके इसकी एक VM क्रिएट की है, जो कि आप यहाँ से क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन करके टिपिकल या कस्टम लेके, और अगर आप आई विल इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर कर देंगे, ये आपको बेसिक चीज़ बता रहा हूँ जो मेरे ख्याल में आप इसको पहले से पता होगा आपको इसका। यहाँ से आप VMware EXI ले लेंगे, ठीक है, यहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम से, और 6 बता देंगे कि मैं 6 इंस्टॉल करने जा रहा हूँ इसके अंदर। आप इसकी लोकेशन बताएंगे, ये कहाँ रखनी है लोकेशन वगैरह इसकी, और इसको हार्ड डिस्क साइन कर दें 40 इज़ इनफ, और इसको सिंगल कर दें, और यहाँ से अगर आप कस्टमाइज इसके हार्डवेयर करेंगे तो आप रैम इसकी कर सकते हैं, प्रोसेसर बढ़ा सकते हैं, ये बढ़ा के इसको सिंपल क्रिएट कर दें तो आपके पास एक मशीन इस हालत में आ जाएगी। अच्छा, इस हालत में आ जाएगी, उसके बाद आपको एक चीज़ दिखा दूं मैं इसके अंदर, अगर मैं ये जाता हूँ इसके अंदर। अच्छा, ये मेरे पास EXI भी रखा हुआ है इसके अंदर मैंने, और ये मेरे पास इसका जो EXI का OS है वो अगर मैं आपको दिखा सकूं,
इसके अंदर एक ओएस है मेरे पास जो मैंने डाउनलोड किया हुआ है, ये ओएस है 6.0 का, ठीक है। ये ओएस है मेरे सॉरी ओएस कह दिया मैंने, आईओएस है, जो कि आप सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो आप वीएमवेयर की वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ से आप अगर आप EXI 6.0 जाएंगे तो VMware की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप सिंपली साइन अप करेंगे और इसका ISO इमेज डाउनलोड कर लेंगे। और जब वो आपके पास डाउनलोड हो जाए, उस डाउनलोडेड इमेज को आप अपने मशीन में यहाँ साइन कर देंगे, ठीक है, यूज़ ISO इमेज। और ये मैंने साइन कर दिया कि ये मेरा ISO इमेज है, और ये मैंने यहाँ साइन कर दिया ब्राउज़ करके, और मैंने इसको ओके कर दिया। अब हम इसकी इंस्टॉलेशन करेंगे कि इसकी इंस्टॉलेशन कैसे करनी है। तो जल्दी से हम इसकी मशीन को ऑन करते हैं ताकि हम इसकी इंस्टॉलेशन देख लें EXI की, और फिर हम नेक्स्ट इस पे काम करेंगे। अच्छा, जब आप इसकी इंस्टॉलेशन करेंगे तो सबसे पहले आपके पास ये ऑप्शन आएगा, ये कह रहा है बूट फ्रॉम लोकल डिस्क, ठीक है, कि लोकल डिस्क है आपके पास, आपने वहाँ से बूट करना है। मेरे पास लोकल डिस्क के अंदर कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है, तो मुझे वहाँ से बूट नहीं करना। और मुझे इसके अब 6.0 के इंस्टॉलर पर जाना है, कि मैं 6.0 इंस्टॉल करने जा रहा हूँ, तो मैं 6.0 पर इंस्टॉल करके इसको एंटर का बटन दबा दूंगा। अभी ये लोडिंग कर रहा है EXI इंस्टॉलर की, और ये थोड़ा टाइम लेगा, मैक्सिमम 2 से 3 मिनट्स, और डिपेंड करता है आपके हार्डवेयर पे कि कितना क्विक है। अगर वो क्विक इनफ है तो ये सबसे जल्द अज जल्द उसको ले आएगा लोडिंग करके उसके इंस्टॉलेशन फाइल को, और फिर नेक्स्ट ऑप्शन इनेबल करेगा जिसमें हम चूज़ कर सकते हैं कि इसको क्या करते हैं। अब वेट करते हैं हम इसका कि ये लोड हो जाए। ये इसने लोड कर लिया है, और ये भी APIs वगैरह यूज़र इंफॉर्मेशन उसकी लोड कर रहा है, और ये आपका इंटरफेस है, और यही इंटरफेस आपका रहेगा, यही इंटरफेस आपका हमेशा EXI सर्वर पे रहेगा। आप EXI सर्वर के ऊपर अगर आप रिमोटली लॉग इस तरह फिजिकली लॉग इन करेंगे तो आप इसके ऊपर बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप इसके ऊपर मैनेज कर सकते हैं, बाकी जो मेन चीज़ें हैं वो आपको सॉफ्टवेयर के ज़रिए इसकी वो करनी पड़ेंगी, और वो हम देखते हैं कि वो सॉफ्टवेयर के जरिए भी इसको कैसे किया जा सकता है आगे। पहले हम उसकी इंस्टॉलेशन कर लें। अच्छा, तो ये जब लोड करके आ गया है हमारे पास, और अब ये कह रहा है वेलकम टू EXI 6.0 इंस्टॉलेशन, ठीक है, ऑन विंडोज सिस्टम बट ओनली सिस्टम ऑन वीएमवेयर कंपैटिबिलिटी गाइड आर सपोर्टेड, सपोर्टेड गाइड आप पढ़ सकते हैं। अभी मैं इसको एंटर से कंटिन्यू करूँगा, और फिर जो इसका लाइसेंस है सिंपल, और मैं इसको एक्सेप्ट करूँगा। अब ये स्कैन करेगा अवेलेबल डिवाइसेस मेरे जो EXI पे हैं, हार्ड ड्राइव्स, डिफरेंट चीज़ों को, और ये स्कैनिंग के बाद मुझे ऑप्शन देगा। अच्छा, अब ये मुझे दिखा रहा है कि मेरे पास इस वक्त एक ही हार्ड ड्राइव है, ठीक है, और एक ही हार्ड ड्राइव है जिसकी कैपेसिटी 30 GB है। क्या मुझे इस पे इंस्टॉल करना है अपना OS, या मेरे पास अगर दो तीन ड्राइव्स होती हैं, या दो तीन पार्टीशंस होती हैं, दो तीन ड्राइव्स होती, तो दो तीन ड्राइव्स मेरे पास यहाँ दिखा देता तो उसको मैं यूज़ कर सकता। अच्छा, सबसे पहले ये चीज़ के जो EXI है वो हमेशा अपनी पार्टीशन स्टाइल यूज़ करता है VMFS, जिसके बारे में हम डिटेल में जाके अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि VMFS क्या है और ये किस तरह यूज़ करता है और क्यों यूज़ करता है। अच्छा, अभी हम सिंपल इसको 30 GB पे मैं कहता हूँ मुझे इंस्टॉल करना है, मैं इसके ऊपर एंटर कर दूंगा, और अभी ये स्कैनिंग करेगा, और स्कैनिंग के बाद एक बहुत खूबसूरत सा इंटरफेस मेरे सामने ले आएगा। अच्छा,
द सिलेक्टेड डिवाइस कंटेन अ वीएमएस डाटा स्टोर, चूज व्हाटएवर द, मतलब वो कह रहा है कि इसी के ऊपर पहले से ही वीएमएफएस डाटा स्टोर है, तो क्या करूँ, एएक्सआई इंस्टॉल कर दूँ ठीक है, और या मैं ओवरराइड कर दूँ या इसको रिजर्व कर लूँ। मैं कहता हूँ जी ओवरराइड कर दो ठीक है, क्योंकि मुझे पीछे वाला नहीं चाहिए। मैं नीचे स्पेस, नीचे सेलेक्ट करके स्पेस का मैंने प्रेस किया है और अब मैं एंटर करूँगा, और यहाँ से मैं अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकता हूँ, मुझे कौन सी लैंग्वेज चाहिए। यूएस नॉर्मली यूज़ करते हैं हम लोग, तो हम यूएस डिफ़ॉल्ट पे चलेंगे। और यहाँ पासवर्ड है जो मुझे लॉगिन के लिए देगा ये, तो मैं इसका पासवर्ड फॉर एग्जांपल अपना रख देता हूँ वीएमवेयर ठीक है, वीएमवेयर, और ये 7 वर्ड्स होने चाहिए, तो VMware 1 2 3, VMware 1 2 3 ओके। मैं इसको एंटर करूंगा और अब ये स्कैन करेगा, अच्छा तब तक ये लोड हो रहा है, तब तक मेरे ख्याल में मैं आपको दिखा दूं। अच्छा ये डाउनलोड VMware EXI जैसे मैं बता रहा था आपको, और ये 6.0 है। यहाँ से आप सिंपल इसका ISO इमेज है इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और vSphere क्लाइंट है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये EXI को मैनेज करने के लिए यूज़ होता है ठीक है। डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं VMware के इसके अंदर ना, तो बेसिकली अभी तो हम EXI को हिट कर रहे हैं, तो ये ISO इमेज डाउनलोड करेंगे, तो ये आपसे कहेगा कि आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। आप सिंपल साइन इन करें, 60 डेज का जो ट्रायल है, 180 डेज का सॉरी, वो आपको दे देगा ये VMware, और आप 180 डेज में अपनी लैब प्रैक्टिस ये वो उस चीज़ को अच्छी तरह अपने काम कर सकते हैं। सो अगर कोई मसला हो तो नीचे कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, आपको इंशाल्लाह ताला क्विकली रिप्लाई दिया जाएगा अगर कोई इसके अंदर मसला है तो। अच्छा ये कह रहा है इंस्टॉल करने के लिए कन्फर्मेशन मुझसे मांग रहा है, द इंस्टॉलेशन इज कॉन्फिगर्ड, इंस्टॉलेशन इस जो मेरे पास ये आपको इस वक्त दिखा रहा है, ये इस वक्त डाटा स्टोर है, कह रहा है इसके ऊपर मैं ये इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। द डिस्क विल बी रीपार्टीशन, इसकी मैं पार्टीशन दोबारा करूंगा, ओके कर दूँ। मैं क्या सिंपल इसको मैं अगर F11 दबाता हूँ कि आई एम गुड, आप सिंपल इसकी इंस्टॉलेशन कर दें। अभी इंस्टॉलेशन इसकी लग गई है, ये थोड़ा टाइम लेगी, और मेरे ख्याल में हम तब तक वीडियो को करते हैं पॉज, और जैसे ही इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट होती है 100%, तब वापस आते हैं और फिर देखते हैं इसकी इंस्टॉलेशन में हमारे पास और चीज़ क्या है। अच्छा तो अभी 100% इसकी इंस्टॉलेशन हो गई है, और ये कह रहा है सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है, एंटर करें रिबूट के लिए। तो अभी मैं इसको एंटर कर रहा हूँ, और एक और चीज़ इसके अंदर से हमें करनी पड़ेगी, जो हमारा रिमूवेबल मीडिया है जो मैंने अभी इसको ऐड किया है। अगर मैं इसकी सेटिंग्स में जाऊंगा और यहाँ से जो मैंने ISO दिया है इसको मैं अनडिटेक्ट कर दूंगा रिबूट से ठीक है, ताकि रिबूट होके दोबारा इंस्टॉलेशन पे ना दोबारा चला जाए ठीक है। और अभी ये वापस आएगा, और अब हमारा जो EXI सर्वर जो हमने इंस्टॉल किया वो बूट करेगा एक्चुअली। सो फिर हम इसकी नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन करते हैं कि इसका IPs किस तरह देने हैं, इसकी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उन बेसिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी करेंगे। ओके मैं वीडियो थोड़ी देर पॉज कर लूँ जब तक ये लोड कर ले, 2 से 3 मिनट ये लेगा, ताकि हमारी वीडियो भी शॉर्ट रहे लेक्चर की और हम ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर सीख सकें। ओके अच्छा जब ये सक्सेसफुली बूट हो जाएगा तो आपके पास आपके इस तरह की स्क्रीन नज़र आ रही होगी। अगर ये स्क्रीन आपके पास आपको नज़र आ रही है तो इसका मतलब है कि आप गुड हैं, लेकिन अगर इससे पहले स्क्रीन से पहले किसी जगह ये स्टक है और 10 15 मिनट 20 मिनट से स्टक है या कहीं एरर आ गया, तो इसका मतलब आपकी इंस्टॉलेशन नहीं सही हुई। आप कमेंट में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्या मसला है, मैं इंशाल्लाह आपको हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। और अब हम चलते हैं कि इंस्टॉलेशन के बाद अब इसको कॉन्फ़िगरेशन पे, अभी इसने जो IP लिया हुआ है ये इसने DHCP पे लिया हुआ है, लेकिन अगर मैं जाता हूँ मैं इसको स्टैटिक IP देना चाहूँ तो वो मैं कैसे दूंगा, और डिफरेंट इसकी चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले इसका जो कंसोल है उसको इनेबल करने के लिए आपको F2 दबाना पड़ेगा, जैसे ये नीचे कह रहा है कि F2, तो अगर मैं इसका फंक्शन अपने F2 दबाऊंगा तो ये मुझसे अपना पासवर्ड पूछेगा जो कि हमने रखा था VMware 1 2 3। ओके मैं इसको पासवर्ड दूंगा तो मेरे पास सेटिंग्स इसकी ओपन कर देगा। अच्छा ये सेटिंग है, इसके अंदर अगर मैं पासवर्ड अपना रीसेट करना चाहूँ या चेंज करना चाहूँ
तो मैं अपना पासवर्ड यहाँ से ओल्ड और न्यू पासवर्ड दे के अपना जो पासवर्ड है उसको रीसेट चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। और मैनेजमेंट नेटवर्क एक्चुअली आपका वो आईपी है या वो इंटरफेस है जिस इंटरफेस पे आप कनेक्ट कर रहे होंगे। आप डिफरेंट अपने जो वीस्पेयर है, आपका जो क्लाइंट उसका सॉफ्टवेयर है जो इसको वीएक्सए को कनेक्ट करता है वो, और आप वेब के ज़रिए जब एक्सेस कर रहे होंगे तो आप इसको इस आईपी से कनेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। तो अभी मैं जाता हूँ इसके नेटवर्क अडॉप्टर्स में। अभी मैंने सिर्फ इसके अंदर एक ऐड किया हुआ है ना निक, तो मेरे पास सिर्फ एक नज़र आ रहा है। अगर मेरे पास दो तीन तो होते, चार होते तो सब मेरे पास नज़र आते। और जिसके ऊपर ये क्रॉस आ रहा है, क्रॉस का मतलब है ये सिलेक्टेड है, ठीक है, फॉर मैनेजमेंट नेटवर्क। और अगर मैं क्रॉस करता हूँ इसको, फिर वीलैन आईडी भी यहाँ दे सकता हूँ कि कौन सी वीलैन स्विच पे कौन सी मेरी वीलैन आईडी है। जिस वीलैन आईडी पे जाके ये बात करेगा, थोड़ी बहुत आपको नेटवर्क की अंडरस्टैंडिंग इसके लिए होना ज़रूरी है। अगर आप नेटवर्क के हैं या आपकी नेटवर्क टीम है तो आप नेटवर्क टीम से वीलैंस के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, और वीलैन आप इसके अंदर असाइन कर सकते हैं ताकि ये उस वीलैन पे आइसोलेट कर दे। बेसिक इंफॉर्मेशन आपको यहाँ भी नज़र आ जाएगी, ये वीलैन इज़ अ वर्चुअल नेटवर्क विद इन अ फिजिकल नेटवर्क, और ये वीलैन एग्जिस्ट करता है जो एक वर्चुअल नेटवर्क बना देता है और आइसोलेट कर देता है इसको। अच्छा, फिर इसके अंदर IPv4 कॉन्फिग्रेशन के अंदर अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ से मैं इसको कहता हूँ स्पेस बार दबाऊंगा स्टैटिक, और यहाँ मैं इसका जो स्टैटिक आईपी है वो इसको साइन कर दूंगा, ठीक है। और फिर उसके बाद गेटवे सबनेट मास्क IPv6 अगर मैं डिसेबल करना चाहूँ अभी के लिए तो मैं इसको डिसेबल ही करूँगा, ठीक है। और मैं इसको एंटर ओके कर देता हूँ। और फिर DNS है, यहाँ मैं DNS दे सकता हूँ, ऑप्टेन ऑटोमेटिक करे या फॉलोइंग यूज़ करे। DNS अपने दो एड्रेस दे सकता हूँ, फिर अपना होस्ट नेम चेंज कर सकता हूँ अगर मैं इसको रखना चाहूँ TestExSI। TestExSI मैंने इसका होस्ट नेम रख दिया है, ठीक है, लोकल होस्ट से। और कस्टमर अगर आप देना चाहते हैं कोई DNS सफिक्स तो आप वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और अगर आप बैक आए इसके अंदर, ये पूछेगा कि आप वाकई ही इन्फॉर्मेशन जो आपने दी है वो, कह रहा है रीबूट करो। मैं कह रहा हूँ अभी रीबूट नहीं करना, मैं नो कर रहा हूँ इसको। रीस्टार्ट मैनेजमेंट नेटवर्क, एक्चुअली ये रीस्टार्ट कर देगा आपके नेटवर्क को, सॉरी नेटवर्क कार्ड को, ताकि अगर कोई इशू आ रहा है या कोई मसला आ रहा है तो आप इसको रिस्टार्ट कर सकते हैं। और अपने मैनेजमेंट नेटवर्क को टेस्ट कर सकते हैं कि इस आईपी पे ये है, इससे ये आईपी जाए, ठीक है। और ये आपका जो मैनेजमेंट नेटवर्क यहाँ से आपके DNS सर्वर को या गेटवे को पिंग करेगा, और आप पिंग की अगर आईपी देंगे, मैं कहता हूँ जी पिंग दिस या पिंग दिस, और मैं इसको ओके करता हूँ तो ये इसको पिंग करेगा, ठीक है। और अगर पिंग ओके है तो आपको ओके का स्टेट नज़र आ जाएगा, रिजॉल्विंग होस्ट भी इसने कर लिया है, तो मैं इसको ओके करूँगा। और नेटवर्क रिस्टोर ऑप्शन, अगर आप नेटवर्क अपने कंप्लीट को रिस्टोर करना चाहते हैं तो आप इस नेटवर्क को रिस्टोर कर सकते हैं। नेटवर्किंग में जब हम जाएंगे इसकी डिटेल में, तब मैं आपको इस इन चीज़ों की डिटेल में आपको उसको पढ़ा रहा हूँगा। और लेकिन बेसिक यहाँ से जो हम मेन चीज़ें करते हैं जो नॉर्मली यूज़ होती हैं, वो सिर्फ हम मैनेजमेंट नेटवर्क साइन करते हैं, ठीक है, और पासवर्ड वगैरह इसका साइन करके हम सिंपल इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद हमने जो भी कॉन्फ़िगरेशन करनी है, कुछ भी करना है, ठीक है, तो वो हम अपने जाके मेन EXI से करते हैं। और यहाँ से फॉर SSH 2021 पोर्ट पर अगर मैसेज इसका इनेबल कर देता हूँ, और डिफरेंट लाइक अगर मेरा सॉरी पुटी से मैंने इसको एक्सेस करना है या कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी कमांड है जिससे मैंने यूज़ करना है, तो मैं यहाँ से इसको वो इसको अगर ऑन होगा तो मैं इसको कनेक्ट कर पाऊँगा, ठीक है। और ये डिफरेंट मैनेजमेंट एजेंट्स आप इसके रिस्टार्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ से आप लॉग्स देख सकते हैं डिफरेंट इसके, किस वक्त लॉग्स क्या हैं ये वो, और डिफरेंट चीज़ें आप इसकी यहाँ से मैनेज कर। ये तो था आपका DUCI, डायरेक्ट यूज़र इंटरफेस नेटवर्क इंटरफेस, जो कि मैंने आपको दिखाया कि इसको मैनेज कैसे करना है, इसकी इंस्टॉलेशन कैसे करनी है, ठीक है। अब हम बाहर आते हैं इसके अंदर से, और अब हम चलते हैं अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ, देखते हैं कि हमने क्या क्या कवर किया है, और अगर कोई चीज़ रह गई है तो उसको भी देख लेते हैं, उसको भी इसी लेक्चर में कोशिश करते हैं कि आज का लेक्चर अभी इधर ख़त्म हो जाए। ओके गाइस, अच्छा आज के लेक्चर में हमने जो हमारी बेसिक इंस्टॉलेशन थी EXI की वो हमने कर ली, और फिर हमने जो इसका इंटरफेस था उसको मैनेज करना सीख लिया। अब आज के लेक्चर में एक चीज़ हमारी पेंडिंग है, वो है हमारा शेल कमांड्स के ज़रिए इस पे काम करना, ये कौन कौन सी कमांड्स चलती हैं और किस तरह कनेक्ट करते हैं। तो वो इंशाल्लाह हम कल के लेक्चर में इसको मैं कल के लेक्चर में करेंगे, क्योंकि कल मैं आपको लेक्चर में इसको क्लाइंट के ज़रिए इस सर्वर को कनेक्ट करना सिखाऊंगा, और फिर इसके बाद इसके बेसिक रूल्स जो फायरवॉल्स वगैरह के जो
होते हैं इसके, वो सिखाऊंगा। और तभी मैं आपको इसकी पोर्ट ओपन करके, क्योंकि वो SSH 22 पोर्ट पे होता है, जो इस वक्त बाई डिफॉल्ट इसकी डिसेबल्ड है, तो उससे कनेक्ट करके हम वो पोर्ट इनेबल कर देंगे। और वो पोर्ट इनेबल करके उसके बाद हम इस पर काम करेंगे और फिर इसको देखेंगे कि वो हमारा किस तरह करता है, ठीक है। सो थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर बीइंग हियर। और नेक्स्ट लेक्चर तक हम बहुत सी चीज़ें, आप इस पर लैब वर्क भी कीजिएगा, इंस्टॉलेशन भी कीजिएगा, कोई मसला हो कमेंट बॉक्स में आप पूछ भी सकते हैं। और इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।